अस्सलाम वालेकुम, मैं बखैर हूँ, उम्मीद है आप भी बखैर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए। जी हाँ, अगर आप बाई चांस कोई भी ऐसा सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर उसके अंदर में ऑप्शन है आपके पास में कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लीजिए, तो आप ज़रूर से कर लिया कीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होता कि कब आपका पासवर्ड कहाँ लीक हो जाए, इसका कोई था पता नहीं चलता। इस वजह से, इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपके अकाउंट को कोई भी लॉगिन ना कर पाए बिना टू स्टेप वेरिफिकेशन के, तो उसके लिए आपको उसमें हमेशा इनेबल करके रखना होगा। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जीमेल के अकाउंट में यानी ईमेल आईडी पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, ताकि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तो अगर लॉगिन करने की कोशिश करे तो उस टाइम पे जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है ना, यानी जब आपके पास में ओटीपी आएगा वो ओटीपी एंटर करे तभी उसके मोबाइल में लॉगिन हो, ऐसे लॉगिन ना हो, या फिर आपके पास में एक प्रॉम्प्ट आए वहां पे यस करे तभी वो लॉगिन हो, ऐसे लॉगिन ना हो। सो इस चीज़ के लिए आपको मैं इसमें गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आखिर आप अपने ईमेल आईडी पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ज़्यादा टाइम को न गंवाते हुए चल गुरु, हो जा शुरू। बूम। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिंपली जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको नजर आएगा जीमेल एप्लीकेशन, सिंपली आप इसे ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको टॉप में नजर आएगा आपके नेम का पहला कैरेक्टर या फिर आपका फोटो, सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नजर आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको में क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको नजर आएगा होम टैब, पर्सनल टैब, डेटा एंड प्राइवेसी टैब। तो सिंपली आपको थोड़ा सा इस तरीके से साइड की तरफ इसको लेकर, जैसे ऊपर नीचे करते हैं ना इस तरीके से, वैसे आपको साइड की तरफ, वैसे आपको दाएं बाएं इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक टैब नजर आएगा सिक्योरिटी का, सिंपली आप सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको नजर आएगा यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन। सिंपली आपको क्या करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको में क्लिक करते हैं वैसे ये जो है आपको लेकर के आएगा accounts.google.com पे, और यहाँ पर जो है आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा है कि प्रोटेक्ट योर अकाउंट विथ टू स्टेप वेरिफिकेशन, यानी टू स्टेप ये इसलिए नाम है क्योंकि पहला स्टेप होता है कि आप अपना पासवर्ड डालिए, दूसरा स्टेप होगा अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके पास में ओटीपी जाएगा, उसको डालिए तब उसके बाद में आप अकाउंट में लॉगिन हो पाएगा सक्सेसफुली, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे आपको बताएगा कि ईच टाइम यू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट यू विल नीड योर पासवर्ड एंड अ वेरिफिकेशन कोड। समझ में आया, पासवर्ड के साथ साथ वेरिफिकेशन कोड की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बता रहा है आपको कि एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद में आपको नजर आएगा यहाँ पे बटन गेट स्टार्टेड, सिंपली आप गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं वैसे आपसे यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड, तो ये पासवर्ड हर जगह पे नीड होती है, तो सिंपली आप अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे इंटर कर दीजिए इस ईमेल आईडी का। मैं इंटर कर देता हूँ। सिंपली पासवर्ड इंटर करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर के आ जाएगा। अगर इस तरीके से बताता है, एरर आता है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनेट के इशू की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में अगर ये पासवर्ड सेव करने के लिए पूछता तो आप यहाँ पे पासवर्ड जो है सेव कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे बताएगा कि दीज डिवाइसेस कैन गेट प्रॉम्प्ट्स, यानी यहाँ पे जो भी लिस्ट आएंगे ना, यानी जिस भी मोबाइल में आपने अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर रखा है उनके सारे के नाम जो यहाँ पे शो करने लगेंगे, तो इस डिवाइस में प्रॉम्प्ट एक शो होगा, यानी जब भी कोई लॉगिन करेगा तो एक आपके पास में प्रॉम्प्ट आएगा जिसके अंदर में दो ऑप्शन होगा कैंसिल और यस करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नंबर आएंगे जब लॉगिन कीजिएगा किसी भी अदर डिवाइस में, तो वहाँ पर एक नंबर आएगा, वो नंबर आप यहां पे प्रॉम्प्ट के अंदर में चूज कीजिए, तो उस तरीके से आएगा। तो ये जो भी यहां पे डिवाइसेस में, जिस भी डिवाइसेस में आप लॉगिन होंगे, साइन इन होंगे, उसमें एक प्रॉम्प्ट जाएगा, यानी एक पॉपअप आएगा। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा किसी डिवाइस में तो एक पॉपअप आएगा कि हां क्या आप वाकई में आप ही लॉगिन कर रहे हैं, अगर आप बताइएगा यस तो फिर वहां पे आप लॉगिन, यानी उस डिवाइस में लॉगिन हो पाएगा आपका ईमेल आईडी, अगर कहिएगा नो तो आपका जो ईमेल आईडी उस डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा। उसके बाद में आपको सिंपली स्क्रॉल अप करना है, यहां पे आपको नजर आएगा सिंपली कंटिन्यू, सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको वो नंबर शो करेगा जब आप रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड किए हुए थे अपने ईमेल आईडी के साथ में। अगर आपने ऐड नहीं किया था तो यहाँ पे आपको कोई भी मोबाइल नंबर शो नहीं करेगा, सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट मैसेज चाहिए या फिर फ़ोन कॉल चाहिए, तो मैं सिंपली टेक्स्ट मैसेज मुझे चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करके सिंपली आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक कीजिएगा तो प्रोसेसिंग फ़ोन नंबर प्लीज़ वेट, उसके बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, आप उसको यहाँ पे इंटर कर दीजिए इंटर द कोड के अंदर में। तो अभी मेरे पास में ओटीपी आ चुका है, मैं सिंपली क्या करूँगा ओटीपी जो है यहाँ पे इंटर करूँगा।
जैसे आप अपना OTP यहाँ पे एंटर कीजिएगा वैसे आपको नजर आएगा यहाँ पे नेक्स्ट बटन, सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आइएगा तो यहाँ पे आपको बता देगा टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा जब टू स्टेप वेरिफिकेशन जब इनेबल कर देते हैं तो जब आप लॉगिन कीजिएगा तो पहला आपको डिफॉल्ट में जो आएगा कि जिस भी मोबाइल में जिस भी डिवाइस में आप लॉगिन रहिएगा उसमें एक प्रॉम्प्ट आएगा बाय डिफॉल्ट, और दूसरा ऑप्शन जो बैकअप ऑप्शन रहेगा वो रहेगा वॉइस या फिर टेक्स्ट मैसेज के लिए। आपका ईमेल आईडी जिस भी डिवाइस में लॉगिन है आपको यहाँ पे वो डिटेल्स बता देगा कि आपका डिवाइस जो है वो इन सारे डिवाइसेज में लॉगिन है। तो मेरा फिलहाल में एक ही डिवाइस में लॉगिन है जो कि ओप्पो A5 2020 है। सिंपली आपको करना क्या है, टर्न ऑन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे टर्निंग ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन या फिर वैलिडेशन इस तरीके से आपको बताएगा, और आपका यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन सिंस 15 सितंबर 2021। आप इसको चाहे तो जब चाहे तब ऑफ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी ऑफ मत कीजिएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आता है, आपके ईमेल आईडी को हैक होने से बहुत ही ज्यादा बचाता है। बाकी यहां पे जो है टेक्स्ट वॉइस या टेक्स्ट मैसेज के लिए ये नंबर है जो वेरीफाइड है, यहां पे जो है कोड आपको रिसीव हुआ करेगा। और बाय चांस आप मोबाइल से टू स्टेप वेरिफिकेशन यानी जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट आता है उससे अनेबल है यानी एबल नहीं है लॉगिन करना, तो उस केस में आपके पास में इस मोबाइल पे है आपको एक OTP जाएगा, OTP डालिएगा तभी आप कोई भी आपके ईमेल आईडी को लॉगिन कर पाएगा। आई होप आपने अपने ईमेल आईडी को सिक्योर जरूर बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कर चुके होंगे और आप ज़रूर कर भी लेंगे अगर नहीं किए होंगे तो, क्योंकि अपने अकाउंट को सिक्योर बनाना टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेंबर के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने किसी भी अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा ले, यानी आप अपने ईमेल आईडी में वो अपने ईमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर ले, ताकि उनका अकाउंट सिक्योर हो जाए और वो भी सेफ रहे किसी हैकर से। जी हाँ, तो इस चीज़ के लिए आप ये काम कर लीजिए। और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं और पहली बार इस शक्ल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको एंजॉय कर पाइएगा और टेक लाइफ को ईजी बना पाइएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।